जो है ठंडे बस्ते में चली गई, कहीं ना कहीं 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो कबाड़ बनता जा रहा है, कबाड़ की सूरत में बसें होती जा रही है। आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो है इन बसों की सफाई करने की ठानी है, सफाई करने के लिए निकल पड़े घरों से और इन बसों की सफाई कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्यों ये योजना जो है ठंडे बस्ते में चली गई और ये करोड़ों रुपए जो जनता का था वो अब उसका क्या होने वाला है। जी अनिल जी, ये कांग्रेस सरकार की योजना थी, लो फ्लोर बसें जो शुरू की गई थी लेकिन सड़कों तक नहीं आ पाई। देखिए साहब, पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जयपुर में मेट्रो का आधारभूत ढांचा तय किया गया। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल साहब द्वारा मेट्रो का प्रोजेक्ट धरातल पर लाया गया। मेट्रो का शुभारंभ भी 2013 में कांग्रेस राज में हो चुका था, लेकिन सिर्फ अपना नाम करने के लिए और वसुंधरा जी को फीते काटने की बहुत शौक है। दोबारा उसी कांग्रेस शासन की जो देन थी मेट्रो, उसका फीता काटा गया है। कल कोटा की जो जैसे सरकार चेंज हुई, पूरे राजस्थान में भाजपा की सरकार आई, कोटा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी किसी की भी कोई इच्छा शक्ति नहीं है इन बसों को चलाने के लिए। समय समय पर कई बार मीडिया वालों ने, कई बार आम जनता ने इन बसों की आवश्यकता महसूस की, मीडिया ने कई बार खबरों के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि को चेताया। महापौर नगर निगम में हमने कई बार उनको भी आगाह किया कि इन बसों को चलाया जाए, लेकिन सिर्फ कागजों में ही ये बसें चल रही हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर आरोप है कि ये जो बसें कांग्रेस सरकार के वक्त में लाई गई थी लेकिन सड़कों पर नहीं आई, सरकार बदल गई तो योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये इन बसों का रखरखाव ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये बसें सड़कों पर सरपट नहीं दौड़ पाती है और जो जनता का पैसा है, जो जनता के लिए योजना लाई गई थी, उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश अग्रवाल के साथ शाकिर। चलो ठीक।